शनिवार के जल तांडव के बाद भी अंबाझरी तालाब की स्थिति सामान्य है, जिससे नागरिकों को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बार ओवरफ्लो नहीं हुआ है, लेकिन अंबाझरी के निचले इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है, जिससे जनता के बीच रोष की स्थिति है। सिटी का मशहूर अंबाझरी तालाब हमेशा ही चर्चा में रहता है। अंबाझरी लेक को लेकर कोर्ट में भी मामला चल रहा है। विगत दिनों लेक पर शुरू किए गए पुल के निर्माण कार्य ने यातायात को प्रभावित कर रखा है। इस बीच शनिवार को हुई बारिश ने एक बार फिर अंबाझरी तालाब के मुद्दे को गर्मा दिया है। घंटों तक होती रही बारिश ने अंबाझरी क्षेत्र के रहवासियों के दिल की धड़कने बढ़ा दी है। गनीमत रही कि प्रशासन द्वारा पुल के निर्माण के लिए अंबाझरी तालाब से करोड़ों लीटर पानी बहा दिया गया था, ऐसे में लेक और फ्लो नहीं हुआ है। इस कारण स्थानीय नागरिकों को जान माल का नुकसान हुआ है, लेकिन सीवेज लाइन की सफाई नहीं होने के कारण तालाब के समीप स्थित कई बस्तियों में पानी भर गया है। इनमें डाका लेआउट, अंबाझरी लेआउट, कॉरपोरेशन कॉलोनी समेत आसपास की अन्य कई बस्तियां प्रभावित हुई हैं। स्थानीय नागरिकों ने रोष व्यक्त करते हुए बताया कि सीवेज लाइन में गाद भर गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से सफाई के लिए अनदेखी कर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। गंदगी के कारण पानी के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रशासन की ओर से सफाई की अनदेखी कर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। गंदगी के कारण पानी के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इस कारण पानी बस्तियों में भरने लगता है। यदि सीवेज लाइन की सफाई जल्द ही नहीं की गई, तो इसी तरह पानी लोगों के घरों में घुसता रहेगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष तेमरे की रिपोर्ट।